हेलो दोस्तों, मैं निकिता। थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आजकल ये प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब होने लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा खान पान सही नहीं है। हमने फाइबर की चीज़ें लेना जिसमें रेशे होते हैं वो खाना हमने बंद कर दिया है, और हमने दिन में पानी पीना कम कर दिया। लोग क्या करते हैं, हम जब प्यास लगती है सिर्फ जब ही पानी पीते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको दिन में कम से कम 8 से 9 गिलास पानी पीना ही पीना है। कोशिश करिए हर घंटे में पानी पीजिए, नहीं तो कम से कम दिन में 8 से 9 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, और सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी ज़रूर पीजिए। अगर वो नहीं पी सकते तो 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीजिए। क्या होता है, जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है, आपका खान पान अच्छा नहीं होता, तो आपको फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है। क्या फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो ख़राब होने लगता है। हमारी जो पाचन क्रिया है वो सही से काम नहीं करती, तो उस वजह से क्या होता है, हम सही से फ्रेश भी नहीं हो पाते। तो सही से फ्रेश नहीं हो पाते, हमारा सही से डाइजेशन सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर पाता, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी कब्ज की प्रॉब्लम, हमारी जो कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर ये कुछ टाइम तक रहती है जैसे, तो फिर तो ये नॉर्मल है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते तो हमारी जो NS वाली जगह होती है वो छिल जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर यही चीज़ कंटिन्यू रहती है तो क्या होता है कि बवासीर, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। बहुत ही, मतलब एक कह सकते हैं कि अच्छी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। क्या होता है, जब हमारा डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है तो क्या होता है, हमारे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, आपकी ओबेसिटी, जो सबसे बड़ा कारण है डाइजेशन सिस्टम का ख़राब होना वो है। इससे क्या होता है, आपका जो ओबेसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो आपका मोटापा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर जो है वो गंदा फैट जमा होने लगता है, और वो फैट हमारी बॉडी में जगह जगह जाके जम जाता है, और वो क्या होता है, वो एक फैट का, चर्बी का रूप ले लेता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो फैट है वो बढ़ने लगता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको करके हम कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी कब्ज़ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, आपको अपने पानी पर ध्यान देना है, और आपको अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है। बिज़ी से थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आपके पास में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए लेट्स बिगिन। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरीके से बैठ जाएंगे। कोशिश करिए कि आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना। आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठना है और अपने पैरों को हल्का सा डायगनली बाहर की तरफ रखना है। ये, इसे हम कहते हैं मलासन। तो आपको इस पोजीशन में बैठना है। आपको क्या करना है, अपने कंधों को अपने घुटने के पास में रखना है, ज़्यादा बैंड नहीं होना। इसी में मैं आपको मलासन में 2 से 3 वेरिएशन बताऊंगी जो आपको डेली करने हैं। आपको क्या करना है, अपने कंधों को घुटने के पास रखना है और अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है इस तरीके से, और होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बढ़ते नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, अपने कोनियों को अपने घुटनों के अंदर रखना है। क्या होता है, कई लोगों से ऐसे नहीं बैठा जाता, तो आपको क्या करना है, या तो लोग पीछे गिरने लगते हैं या वो पंजों पे इस तरीके से बैठते हैं। अगर आप इस तरीके से बैठ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारा एक मलासन का वेरिएशन है। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके से बैठना है। तो आपको क्या करना है, पीछे आप दीवार का सहारा ले सकते हो, उस पर टेक लगा के बैठ सकते हो, इससे क्या होगा, पीछे की तरफ गिरेंगे नहीं। तो आप अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज, कोनियों को अपने घुटनों के अंदर रखेंगे, हाथ इस तरीके से, और बाहर की तरफ हम इन्हें पुश करेंगे, इनहेल करते हुए बाहर की तरफ पुश करेंगे इस तरीके से, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आपको क्या करना है, सुबह उठ के इसी पोजीशन में
इसी पोस्चर में आपको पानी पीना है। जो आप पानी पीते हो वो आपको इस तरीके से बैठ के पीना है। और ध्यान रखें, हमेशा पानी बैठ के पिए, खड़े होके आपको पानी नहीं पीना। खड़े होने से क्या होता है, जो आपका जो पानी है वो सीधा एब्डोमेन में स्टोर हो जाता है, जो आपको न्यूट्रिशन मिलने होते हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाते। तो ध्यान रखिए, आपको हमेशा बैठकर पानी पीना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ को दूसरे घुटने के अंदर की तरफ इस तरीके से रखना है अपोजिट साइड में, और इस वाले को इस तरीके से प्रेशर देना। इसको बाहर की तरफ प्रेशर देंगे और इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। इस तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। तो आप सुबह जब इस पोजीशन में बैठ के पानी पियेंगे तो आपका अच्छा प्रेशर बनेगा। कईयों को क्या होता है, सुबह उठते ही प्रेशर बन जाता है, पर कोशिश कीजिए उससे पहले आप एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पी सकें। अगर आपका प्रेशर बन रहा है तो आप पानी पी के वो फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं। अगर आपका प्रेशर नहीं बन रहा है, 1 से 2 गिलास आप इस तरीके से बैठ के पानी पीजिए, और थोड़ा सा उसके बाद धीरे आराम आराम से उठ के थोड़ा बहुत वॉक कीजिए। आपका धीरे धीरे प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने लाइफस्टाइल में इस चीज़ को ऐड कीजिए। अगर आप इस तरीके से भी नहीं बैठ पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा पिल्लो लेना है। छोटा मतलब ज़्यादा मोटा ना हो, इस तरीके से बहुत ही पतला पिल्लो लेना है, या फिर आप टावल का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको अपने आपको इस तरीके से नीचे रखना है और आप इस पर बैठ सकते हैं। सपोर्ट के लिए आप इस पर हल्का सा प्रेशर लेके बैठ सकते हैं, और आप फिर से इसको बाहर की तरफ प्रेशर देंगे अंदर से, और इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। तो ये थे हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज। ये था मल आसन, जो कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप और चीज़ों में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक जैसे प्रेगनेंसी है उसमें भी आप कर सकते हैं। आपको अपने थाई का फैट कम करना है तो हर एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, लेकिन मेनली जो ये मल आसन है आपकी कब्ज को दूर करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, आपको अपनी कैलोरी डेफिशिट पे ध्यान देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जो आप खाना ले रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर इंक्लूड कीजिए, लाइक सैलेड ऐड कर सकते हो, या फिर मल्टीग्रेन का आटा यूज़ कर सकते हो। गेहूं नहीं, गेहूं के साथ आप कोशिश कीजिए, उसके साथ और कुछ जैसे जो हो गई मक्का बाजरा, ये ऐड करके आप अपने रोटी में रोटी खा सकते हैं इस चीज़ की। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, अपने खान पीने पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अच्छा बनाइए। आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना के अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके आपका कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय बाय।